कारखाने हैं या बड़े बड़े केंद्र हैं, तो इनकी जो मीलें हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में लगाई जाती हैं जहाँ इनसे संबंधित जो स्थानीयकरण कारक होते हैं। अर्थात स्थानीयकरण कारक से तात्पर्य है कि वो कारण जिनकी वजह से उस उद्योग को कच्चा माल मिले या शक्ति के संसाधन मिले। तो कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनमें कच्चा माल है जो कपास है, तो कपास जिन क्षेत्रों में होता है वहीं पे इस क्षेत्र की मिलें लगाई जाती हैं। लेकिन कपास जो है ढोने में आसान होता है, अर्थात इसका जो परिवहन है वो आसान होता है और सस्ता पड़ता है, इसलिए सूती वस्त्र के कारखाने अधिकतर बाजार के आसपास ही लगाए जाते हैं। अर्थात जो वहाँ जनसंख्या का केंद्रण अधिक होता है तो उन क्षेत्रों में इसके कारखाने मिलते हैं, क्योंकि वहाँ सूती वस्त्र उद्योग के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो उस क्षेत्रों से श्रमिक भी सस्ते मिल जाते हैं। तो कपास वाले क्षेत्रों में ही सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा शक्ति के साधन हैं, तो जो भी मशीनें हैं उनको चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो पहले जो शक्ति है वो कोयले पे आधारित थी, धीरे धीरे शक्ति का जो रूप है वो अब जल विद्युत ने ले लिया है। तो जल विद्युत से आसानी से जो है बिजली पहुँचाई जा सकती है। इसके अलावा जो जलवायु है इस उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है प्राचीन समय में, क्योंकि सूत कातने के लिए या धागा बनाने के लिए आर्द्र या नम जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो शुष्क जलवायु होगी तो जो धागा है या तंतु है वो टूट जाता है। तो इन कारखानों में नमी होनी चाहिए जहाँ धागे बनते हैं, तंतु बनते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कृत्रिम विधियों से आर्द्रता बनाई जा सकती है, तो जलवायु अभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। लेकिन पहले जब कृत्रिम उपाय नहीं थे उस वक्त ये जलवायु एक बड़ा फैक्टर माना जाता था। इसके अलावा जलापूर्ति है, तो जहाँ स्वच्छ जल होगा वहीं इस उद्योग का जो है स्थानीयकरण होता है, या जल भी इसको प्रभावित करता है, क्योंकि कपड़े धोने, रंगाई छपाई के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। बाजार से तात्पर्य है जहाँ जनसंख्या का जमावड़ा अधिक हो या जनसंख्या अधिक पाई जाती हो। तो जनसंख्या दो रूपों में काम करती है, एक तो श्रमिक मिल जाएंगे सस्ते और कुशल, दूसरे जो तैयार माल है उसका जो है खपत वो उसी क्षेत्र में हो जाएगी। तो इस तरह बाजार भी इस उद्योग को प्रभावित करता है। अधिकतर जो कारखाने हैं वो बाजार के आसपास भी लगाए जाते हैं। श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो इस उद्योग के लिए कुशल और सस्ते श्रमिक चाहिए। परिवहन के साधन प्रत्येक उद्योग में आवश्यकता पड़ती है, तो इस उद्योग में भी परिवहन के साधनों का प्रभाव पड़ता है। पूंजी है, तो पूंजी भी प्रभावित करती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सूती वस्त्र उद्योग का जो वितरण है वो विश्व के कुछ मुख्य देशों में हुआ है, जिनकी चर्चा हम करेंगे। अगर सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन और वितरण की बात करें तो विश्व स्तर में कुछ जो मुख्य देश हैं या इसका जो उत्पादन व वितरण है वो अधिक देखने को मिलता है। तो चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, जापान, ये कुछ मुख्य बड़े देश हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े केंद्र हैं या जहाँ उत्पादन अधिक होता है। चीन में अगर अपन देखें तो चीन में संघाई जो है, यहाँ सूती वस्त्र जो मिले हैं वो अधिक हैं, इसलिए चीन में संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। अब मैनचेस्टर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है जहाँ लंकाशायर क्षेत्र में, तो वहाँ प्राचीन समय में वो जापान, ये कुछ मुख्य बड़े देश हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग के बड़े बड़े केंद्र हैं या जहाँ उत्पादन अधिक होता है। चीन में अगर अपन देखें तो चीन में संघाई जो है, यहाँ सूती वस्त्र जो मिले हैं वो अधिक हैं, इसलिए चीन में संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। अब मैनचेस्टर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर है जहाँ लंकाशायर क्षेत्र में, तो वहाँ प्राचीन समय में वो सूती वस्त्र का बड़ा केंद्र रहा है। अब ग्रेट ब्रिटेन के अधिकतर उपनिवेश थे, या यूँ कहे कि ग्रेट ब्रिटेन का अधिकतर देशों पर अधिकार था, तो उन देशों से कच्चा माल वो वहाँ ले जाते थे और वहाँ सूती वस्त्र निर्मित करते थे, तो उस समय वो बड़ा केंद्र रहा है। तो संघाई में भी इससे संबंधित अधिक क्रियाएं होती हैं, सूती वस्त्र के बड़े केंद्र हैं।
इसके अलावा चीन में हैकाऊ, चुंगकिंग, नानकिंग, कैंटन, ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ सूती वस्त्र के केंद्र पाए जाते हैं। ये विश्व का जो मानचित्र यहाँ देखिए, तो ये भारत है, तो यहाँ ये जो चाइना है, तो चाइना के इस भाग में उत्तरी और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के ये प्रमुख केंद्र है। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि चीन में इसी क्षेत्र में अधिकतर कारखाने क्यों हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ इसके लिए जो कच्चा माल है, कपास है, और परिवहन के साधनों की व्यवस्था है, कुशल श्रमिक हैं, और यहाँ मांग भी अधिक है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी क्षेत्र में कोई भी उद्योग लगाया जाता है। तो यहाँ चीन में सर्वाधिक केंद्रण इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिनका जिक्र हमने किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संघाई जो है वो चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। चीन के बाद भारत है, वो सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो भारत में भी प्राचीन समय से ही इस उद्योग का विकास हो चुका था। जो भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं यहाँ, जो सिंधु सभ्यता है, तो वहाँ के जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर थे, वहाँ ऐसे अवशेष मिले हैं या ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी अच्छा विकास था। भारत में जो आधुनिक तरीके की जो सूती वस्त्र मिल है, वो मुंबई में 1854 में लगाई गई थी कवास जी डाबर द्वारा। इसके बाद धीरे धीरे भारत के कुछ क्षेत्रों ने सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी प्रगति की है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन्होंने काफ़ी प्रगति की है इस उद्योग में। तो भारत में अगर उत्पादन को देखें तो यहाँ मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी मिलें हैं, तो इसे सूती वस्त्रों की राजधानी या कॉटनोपोलिस कहते हैं। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और आपके जो विश्वविद्यालय परीक्षा होगी उसमें भी। तो मुंबई को कॉटनोपोलिस या सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी उत्पादन होता है सूती वस्त्रों का, और जो मिलें हैं वो भी मुंबई में काफ़ी हैं। इसके अलावा मुंबई में अगर बात करें तो नागपुर, पुणे, वर्धा, सोलापुर, कोल्हापुर, ये कुछ मुख्य केंद्र हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है बात में गुजरात। तो गुजरात में ये अहमदाबाद है, वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में सूती वस्त्र मिले हैं, इसलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी या कॉटनोपोलिस तो मुंबई को, और सूती वस्त्रों पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद के अलावा अगर गुजरात में देखें तो बड़ोदरा, सूरत, भावनगर, राजकोट, कल्लोल, पोरबंदर, ये कुछ बड़े केंद्र हैं जहां इस उद्योग का विकास हुआ है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछें कि भारत में महाराष्ट्र में ही सूती वस्त्रों का सर्वाधिक संकेंद्रण क्यों पाया जाता है या गुजरात के क्षेत्रों में ही क्यों हुआ, तो इसका जो है आपको उत्तर ये देना है कि मुंबई या महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ जो जलवायु है वो समुद्रीय है, अर्थात नम जलवायु है। समुद्र के तट के आसपास का जो क्षेत्र है मुंबई, वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है, इसलिए धागा बनाने में आसानी रहती है। जनसंख्या बड़े स्तर पर है, अर्थात बाज़ार की जो है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ मांग भी अधिक रहती है, सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। साथ ही जो लावा भूमि है, जो ये दक्कन का पठार है, तो गुजरात, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, यहाँ कपास भी बड़ी मात्रा में होती है, तो इसलिए कच्चा माल भी मिल जाता है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योगों का केंद्रीकरण या स्थानीयकरण पाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा अगर अपन देखें तो तमिलनाडु है मुख्य राज्य, और जिसमें कोयम्बटूर है, जहां तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती जो मिले हैं, इसलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर के अलावा जो है तिरुनेलवेली, मदुरे, रामनाथापुरम, सेलम, चेन्नई, ये तमिलनाडु के अन्य नगर हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग की मिलें स्थापित हैं।
इसके बाद में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य शहर है वो है कानपुर। तो कानपुर को भारत का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसके अलावा यूपी में मोदी नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, वाराणसी, ये बड़े नगर हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग का सही विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल को अगर देखें तो यहां हुगली, हावड़ा, 24 परगना आदि नगरों में इस उद्योग के कारखाने देखने को मिलते हैं। और कोलकाता का जो होजरी वस्त्र उद्योग है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ का जो भीलवाड़ा है, तो यहाँ भीलवाड़ा में जो है इसे सूती वस्त्र के आधार पर बड़ी पहचान मिली है। यहाँ कपड़ा जो मिले हैं बड़े स्तर पर पाई जाती हैं, क्योंकि भीलवाड़ा के आसपास का जो चित्र है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा हो गया और राजसमंद, उदयपुर, इस क्षेत्र में कपास बड़ी मात्रा में होती है, तो कच्चा माल अच्छा मिल जाता है। और साथ ही कांडला जो बंदरगाह है वहाँ से जो माल है वो निर्यात की भी सुविधा है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ सूती वस्त्र उद्योगों के कारखाने देखने को मिलते हैं। तो बाज़ार, कच्चा माल, परिवहन के साधन, इन सभी की सही अवस्थिति होने के कारण यह उद्योग यहाँ अधिक विकसित हुआ है। इसके अलावा पाली, गंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ये कुछ मुख्य हैं। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। भारत के बाद अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुछ मुख्य क्षेत्र हैं उनमें न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है, जो अटलांटिक महासागर है उसके तट के पास। तो यहाँ के फॉल रिवर, लावेल, प्रोविडेंस, मैनचेस्टर, बोस्टन, मैनचेस्टर यहाँ भी एक है, लेकिन जो मुख्य मैनचेस्टर है जिसका जिक्र हमने किया वो ग्रेट ब्रिटेन में है। इसके अलावा मध्य अटलांटिक क्षेत्र में, जिसमें पेंसिल्वेनिया का पूर्वी भाग, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर आदि क्षेत्र आते हैं, दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, कोलंबिया, अगस्टा, एटलांटा, मॉन्टगोमरी, ये कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। और खाड़ी तटीय क्षेत्र, मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के जो, तो इसमें से मिसिसिपी, लुजियाना और टेक्सास राज्य हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक हुआ है। इस मानचित्र में देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। तो इस महाद्वीप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो यूएसए है, ये कनाडा और ये यहाँ से यहाँ तक यूएसए। तो इस देश में ये जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी, ये आपका अटलांटिक महासागर, इसका ये जो तट है और ये जो दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, यहीं अधिकतर इस उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में रूस आता है। तो रूस का जो है मास्को इवानोवा क्षेत्र है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है और इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके अलावा मास्को, नोगिन्स्क आदि हैं। अन्य क्षेत्रों में लेनिनग्राद क्षेत्र है, यूराल का जो है चेलियाबिंस्क क्षेत्र है और साइबेरिया क्षेत्र। तो रूस के इस क्षेत्र में सूती वस्त्र केंद्रों का अधिक विकास हुआ है। जापान की अगर बात करें तो जापान का किंकी प्रदेश है, जिसमें ओसाका, कोबे प्रदेश मुख्य आता है और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, जहां सूती वस्त्र उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इसके अलावा कोबे, अमागासाकी आदि हैं। क्वांटो प्रदेश है जहां टोक्यो, याकोहामा मुख्यतः आते हैं। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन एक समय में सूती वस्त्र उद्योग में सबसे आगे था, लेकिन जैसे जैसे उपनिवेश आज़ाद होते हुए गए तो इसका जो अधिकार था, या यूँ कहे कि जो कच्चा माल इनको आसानी से प्राप्त होता था, वो बंद हो गया।